बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 7.6, क्लास 9, एनसीईआरटी, चैप्टर 7, ट्राइंगल्स। थ्योरम 7.6 को आज हम प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज लार्जर और ग्रेटर। मतलब इसका ये है कि वो कहता है कि आपके पास कोई ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें एक साइड बड़ी हो, दूसरी छोटी हो, दो साइडें उसकी ऐसी हों जो आपस में इक्वल ना हो, अनइक्वल हो। तो जब अनइक्वल होंगी तो मतलब है कि एक साइड बड़ी होगी, एक छोटी होगी। तो थ्योरम में वो ये कहता है कि अगर एक साइड बड़ी हो, एक छोटी हो, तो बड़ी के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, छोटी के सामने वाला एंगल छोटा होगा। तो साइड्स आपस में अनइक्वल हैं ये गिवन है, और एंगल्स अनइक्वल हैं ये आपने प्रूव करना है। और किस तरह प्रूव करना है कि बड़ी साइड वाला एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड वाला एंगल छोटा होगा। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी है। इसमें मैंने सपोज कर लिया कि ये जो बी सी साइड है ये बड़ी है और ए सी साइड छोटी है। तो गिवन ये है कि बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये आपका गिवन हो जाएगा। प्रूव आपने क्या करना है, अब बी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए है, और ए सी के ऑपोजिट कौन सा है, बी है। तो ए बी से बड़ा होगा क्योंकि बड़ी साइड के सामने ए है और छोटी साइड के सामने बी है। तो प्रूव आपने ये करना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें इसमें डायग्राम के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन देखें आपने करना ये है कि बड़ी साइड हमारे पास कौन सी है, बी सी है ना। तो बी सी के ऊपर आपने यहाँ पे एक पॉइंट लेना है पी, और ये पॉइंट पी आपने इस तरह लेना है ताकि पी सी जो है वो ए सी के इक्वल आ जाए। यानी कि पी से लेके सी तक और ए से लेके सी तक इन दोनों की लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये कंस्ट्रक्शन में पहले नंबर पे आप काम करेंगे कि बी सी के ऊपर एक पॉइंट आपने इस तरह लिया कि पी से लेके सी तक और ए से लेके सी तक ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, नंबर वन। नंबर टू पे आप क्या करेंगे, आपने पी को मिला देना है ए से, नंबर टू पे आपने ये काम किया। अब नंबर थ्री पे आप क्या काम करेंगे, कुछ एंगल बन रहे हैं उनको आपने नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी पे आप दो एंगल बन रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, इसको मैं वन कह रहा हूँ, इसको मैं टू कह रहा हूँ। सिमिलरली एंगल ए जो है इसके दो हिस्से हो गए। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू नीचे वाले की बी है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी है। तो नंबर वन पे आप क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट पी ऑन बी सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी पी सी। तो ये नंबर वन पे आप लिखेंगे कि पी आपने पॉइंट लिया बी सी के ऊपर किस तरह लिया ताकि पी सी बराबर हो जाए ए सी के। और नंबर टू पे आपने क्या किया, पी को ए सी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन पी टू हुई। और नंबर थ्री पे आपने नाम दिए वन टू और एंगल ए के जो दो हिस्से हैं इनको आपने वैल्यू दे दी ए और बी। तो ये आपने नंबर थ्री पे लिखना है कि नेम एंगल वन एंड टू एंड सपोज वैल्यू ए एंड बी एज शोन इन फिगर। एज शोन इन फिगर का मतलब है जैसा शक्ल में नजर आ रहा है ऐसा हमने इनको नाम दे दिए। इसके बाद प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले आप देखें ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ए पी सी, इसमें पी सी और ए सी इक्वल है, ये सबसे पहले आप लिखें। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी सी, पी सी इक्वल है ए सी के। बी सी ए सी के क्यों इक्वल है, इसकी रीजन लिखें, ये कंस्ट्रक्शन है। ये तो आपने कंस्ट्रक्शन में ऐसे किया था। आपने पी पॉइंट कैसे लिया था, ताकि सी पी और ए सी आपस में बराबर हो जाए, तो ये कंस्ट्रक्शन में किया था। अब ए सी पी जो है ये एक ऐसी ट्रायंगल है कि जिसमें दो साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई, पी सी और ए सी इक्वल है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें आपस में इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ए जो है वो एंगल वन के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखें एंगल वन इज इक्वल टू ए। अब इसको सपोज कर लें कि ये इक्वेशन वन है और यहाँ रीजन में आप लिख लें बाई बाई वन, यानी कि वन में चूंकि साइड्स इक्वल हैं लिहाजा एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद आप देखें वन और टू एक ही पॉइंट पे बांध रहे हैं, पी के ऊपर बांध रहे हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर बांध रहे हैं। ये बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर दो एंगल बांध रहे हैं वन और टू।
और इनको आप कहते हैं कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बनते हैं तो उनको आप कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 180 होती है, उनको आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो एक पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। उनका उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 1 और 2 का सम कितना होगा, 180 होगा। तो आप लिखें Angle 1 plus Angle 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी रीजन आप लिखें कि ये कौन से एंगल हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये इसकी रीजन आ जाएगी। अब 1 चूंकि ए के इक्वल है तो 1 की जगह पे आपने ए लिख देना है, A+ Angle 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए को राइट साइड पे लेके जाएं, इधर प्लस का है तो राइट साइड पे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज Angle 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, 1 ऊपर हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब जो नीचे वाली ट्रायंगल है इस पे आप आ जाएं, नीचे वाली ट्रायंगल का नाम क्या है, ABP। तो आप लिखें इन ट्रायंगल ABP, इसमें तीनों जो एंगल्स हैं, पहला बी है, दूसरा 2 है और तीसरा कौन सा एंगल है, बी है, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल्स की, कि कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब है कि बी में जब आप ऐड करेंगे Angle 2 और फिर इसमें ऐड करेंगे Angle B तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। इसकी रीजन आप लिखें कि ये क्या है जी, ये एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ऑफ ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होते हैं। अब इधर पहुंच के आपने करना ये है कि Angle 2 की वैल्यू को पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में Angle 2 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस ए, तो इसकी ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। दिस इंप्लाइज B+ Angle 2 की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस ए प्लस Angle B एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसकी रीजन दें बाई टू कि 2 से आपने क्या किया, Angle 2 की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इधर आगे 180 और 180 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो B-A+ Angle B किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहां से Angle B की वैल्यू आप निकाल लें, दिस इंप्लाई Angle B इज इक्वल टू माइनस ए, उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस बी इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 तक हो चुका है, तो इसको आप 3 बोल दें। अब मुझे डायग्राम से देख के बताएं कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है। अगर इसको मैं ए और बी की शक्ल में लिखूं तो ये एंगल ए किसके इक्वल आएगा, A+B के इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल ए के दो हिस्से हैं, एक की वैल्यू ए है एक की वैल्यू बी है। तो ए और बी को जब ऐड करेंगे तो पूरा एंगल ए आ जाएगा। तो आप लिखें बट एंगल ए जो है वो किसके इक्वल आ गया जी, A+B के इक्वल। इसको नंबर 4 का नाम दें। अब जरा 3 और 4 को आपने देखना है, यहां से आपने रिजल्ट निकालना है। 3 में ये है कि ए में से बी को माइनस करें तो एंगल बी आता है, और 4 में ये है कि ए और बी को जब ऐड करें तो एंगल ए आता है। अब दो चीजें माइनस हो रही हैं तो एक आंसर आ रहा है, और फिर दो चीजें प्लस हो रही हैं तो एक आंसर आ रहा है। अब मुझे ये बताएं कि माइनस की सूरत में आंसर बड़ा आता है या प्लस की सूरत में बड़ा आता है। जाहिर बात है प्लस की सूरत में बड़ा आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास दो नंबर हैं, एक 7 है एक 10 है। मैं आपसे कहता हूँ 10-7 कितना होगा, आप कहेंगे सर 3 होगा। मैं आपसे कहता हूँ 10+7 कितना होगा, तो आप कहेंगे 17 आएगा। तो लाजमन बात है प्लस की सूरत में आंसर क्या आता है, बड़ा आता है, और माइनस की सूरत में आंसर क्या आता है, छोटा आता है। तो 3 और 4 से क्या रिजल्ट निकला कि A-B छोटा है और A+B क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है फिर ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। तो ये आप नेक्स्ट लिखें, आप लिखें सो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, और इसकी रीजन आप लिखें बाई बाई 3 एंड 4, बाई 3 एंड 4। और यही आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था। चेक करें आपने क्या चीज प्रूफ करनी थी,
एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, और इसी चीज को आपने एंड पे जाके प्रूव कर दिए, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।